अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अदालत में। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने थिएटर से लेकर सिनेमा तक, दूरदर्शन से लेकर ओटीटी तक जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। आप लोगों का उन्हें बहुत प्यार मिला है। बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई की माया नगरी में अपनी पहचान बनाने वाले ओटीटी के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी। अदालत में आज हमारी जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट सोनल कालरा, और इससे पहले कि इल्जाम का सिलसिला शुरू करें आज की जज सोनल कालरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। बिल्कुल इजाजत है रजत जी, कार्रवाई शुरू करें। और मनोज जी पहले सवाल पूछे आपसे, इससे पहले एक नजर डालेंगे मनोज वाजपेयी के फिल्मी करियर पर। सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। फिल्म सत्या के भीखू महात्रे को कौन नहीं जानता। इस फिल्म के हिट गाने में मनोज वाजपेयी का डांस लोगों को आज भी याद है। मनोज वाजपेयी 17 साल की उम्र में बिहार के एक छोटे से गांव बिल्पा से एक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे। लंबी स्ट्रगल के बाद मनोज वाजपेयी को एक डाकू का रोल मिला फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में, लेकिन उन्हें किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। खांडेलकर को कल्टी दिया, अमोल शुक्ला गया। इसके बाद सत्या में भीखू महात्रे के रोल के लिए मनोज वाजपेयी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। मुंबई का किंग कौन? भीखू महात्रे। भैया प्रेसिडेंट तो क्या लड़की को छेड़ेगा? फिर कौन और शूल में मनोज वाजपेयी के रोल को सराहा गया। नहीं होती ना मंजरी जी, तो वो साला भड़ुआ बच्चू यादव आज 10 फुट जमीन के नीचे खड़ा हो। मेरे घर में पूरे 15 दिन रही हो। पिंजर में अभिनय के लिए मनोज वाजपेयी को स्पेशल ज्यूरी नेशनल अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म अक्स में मनोज वाजपेयी ने एक साइकोपैथ का नेगेटिव रोल किया। फिर एक लंबे अंतराल के बाद मनोज वाजपेयी हिट हुए प्रकाश झा की फिल्म राजनीति से। रुकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी के डायलॉग लोगों के दिल में उतर गए। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। हमारी जिंदगी का एक मकसद है बदला। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान के रोल में मनोज वाजपेयी ने सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की। हमको पहचानती हो, गूंगी हो, ब्याह हो गया है,
अरे सुनो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब खिस रहा है रोज तू, फल मिलेगा कब। OTT पर मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन से पॉपुलर हुए। बच्चों को स्कूल से कब पिक करने वाले हो? मैं बस पहुंच गया हूं। अब धृति, अब ये बच्चे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। धृति और अथर को मैंने पिक कर लिया है और अब लोगों को इंतजार है मनोज बाजपेयी की नई फिल्म का, जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी। तीन बार नेशनल अवार्ड विनर, चार बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड पाने वाले पद्मश्री से सम्मानित मनोज बाजपेयी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम सुपरस्टार मनोज बाजपेयी। आपकी अदालत में फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी पर इल्जाम है कि ये बहुत जिद्दी हैं। मनोज जी, बचपन से जिद थी, झोपड़ी वाले स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, गांव में नहीं रहूंगा, जिद थी एक्टर बनूंगा लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप बनूंगा। अगर नहीं बताता तो मैं निकल पाया, अगर बताता तो कहते कि कहाँ जेबो नाचे खातिर भर देते। वो मुझे कभी जो है वहाँ से निकलने नहीं देते, इसलिए जो है 9 साल की उम्र से, जब से मैंने अमिताभ बच्चन जी को देखा जंजीर में, मैं तब से लेकर के जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं तब तक मैंने बताया नहीं। एक बार कोशिश की थी कि ऐसे ही मैं पूछ के देखता हूँ कि भाई ये लोग क्या समझते हैं सिनेमा के बारे में या एक्टर के बारे में। तो देखना तो बहुत पसंद था मेरे पिताजी को, और बात करते थे कि अरे अमिताभ बच्चन कितना बढ़िया एक्टर है, दिलीप साहब क्या एक्टर थे। और जब मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए आपका कोई बच्चा जाके एक्टर बन जाए तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने भोजपुरी में कहा नाचेगा वाला काम थोड़े करेगा। तो मैं समझ गया था कि अगर इनको बोला मैंने तो पहले तो दिल का दौरा पड़ेगा। उसके बाद से मेरी माँ जो बहुत सख्त थी वो मुझे डिसोन कर देगी, कहीं मेरा बेटा है ही नहीं, या फिर ये लोग जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने अपने अंदर रखा था। तो जब माँ बहुत मारती थी जब फिल्में देखने जाते थे? बहुत मारती थी। एक बार मैं फिल्म देखने गया और एग्ज़ाम जो था 5 दिन के बाद था, और मेरी माँ और पिताजी शहर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे? मैंने कहा कि एक फिल्म देखने चला गया था। तो पढ़ाई करते हो या फिल्में देखते हो? मैंने थोड़ा सा, मैं थक गया था पढ़ पढ़ करके, थोड़ा अनवाइंड करने गया हुआ था। तो मेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता था, और मेरी माँ का खौफ इतना था हम लोगों के परिवार में कि पिताजी को तो डर लगता ही था मेरी माँ से। तो बचाने वाला कोई रहता नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो पिताजी मेरी माँ के आसपास भी नहीं पाए जाते थे जब उनको गुस्सा आता था। तो उनका खौफ ऐसा रहा कि मेरे माता का जो है देहांत अभी कुछ महीनों पहले हुआ, जब वो हॉस्पिटल में थी तो अगर वो किसी बात पे गुस्सा करती थी तो 6 भाई बहन में से किसी की औकात नहीं थी कि उस समय उस कमरे में वो चला जाए। तो मेरी माँ जो है बड़ी सख्त किस्म की थी, तो इसलिए मुझे डर बहुत लगता था कि बताए नहीं। और पिताजी चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाए? जी, मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट देने गया, ऐसा कोई कमाल का स्टूडेंट कभी नहीं रहा मैं, लेकिन मुझे इतना डर था कि अगर मैंने जो आंसर लिखा सही हो गया तो मैं सच में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो जो क्वेश्चन होते थे रजत जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से आपको 3-4 ऑप्शन है, उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो लिटरली जो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था उस समय मैं ऐसे कर लेता था और ऐसे ही जो है गेस पे मैं, ताकि मैं सही आंसर नहीं दूं, नहीं तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा और एक्टर बनने से रह जाऊंगा। तो खैर एंट्रेंस टेस्ट में तो पास हुआ नहीं, लेकिन एक मेरा दोस्त था बचपन का, तो उसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ एडमिशन लूँगा, मेरा भाई वहीं पर है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चल। तो उसने कहा पैसा है? मैंने कहा पता नहीं बाबूजी कितना देंगे, तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि भाई ट्रेन में इतनी दूर जाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा 50 रुपया लगेगा। तो मैंने कहा तू मेरा कर दे, बाद में मैं चुका दूंगा। तो मुझे उसने क्या बोला,
हाँ चला भीख मंगा आदमी, तुम कब चुकाएगा हमको? चल तुझे, तू पंडित है तो तुझे दान कर दिया मैंने। तू दक्षिणा के नाम पर जो है 50 रुपया कर्जा मिला था मुझे। दिल्ली आए तो मैंने सुना कि NSD में जाने की कोशिश की, ये सपना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएंगे। जी जी, बहुत ज़्यादा, और यही सोच के आया था मैं, क्योंकि जब मैं बिहार में था तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो है जिक्र कभी नसरुद्दीन शाह जी के इंटरव्यू में, कभी राज बब्बर साहब जी के इंटरव्यू में, और उसमें लिखा था कि इसमें डिप्लोमा मिलता है। तो पहली बार मुझे लगा, अरे यार एक्टिंग करने के बाद डिप्लोमा भी मिलता है। तो यहाँ पर अपने बाबूजी को जो है मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि मुझे थिएटर में डिप्लोमा मिला है, तो ये कहीं भी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जी। लेकिन 4 बार NSD ने आपको रिजेक्ट कर दिया, 4 बार, तब भी आपकी जिद खत्म नहीं हुई? क्योंकि थिएटर करना था मुझे, और मुझे इतना पता था रजत जी की NSD उस समय में स्कॉलरशिप देता था और रहने के लिए हॉस्टल देता था। तो सबसे पहले तो मैं NSD में इसलिए जाना चाहता था कि ये मतलब खाना और छत की समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक जगह पे आपको थिएटर करने को मिलेगा। जी हाँ, 3 से 4 बार मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। पहली बार में बहुत मुश्किल हुई थी। पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन धीरे धीरे मंडी हाउस में काम करते करते बैरी जॉन मिले, फिर उनके साथ थिएटर करने लगा। लेकिन रिजेक्शन से मैं थोड़ा जिद हो गया मेरा कि कब तक रिजेक्ट करोगे, देखते हैं। जिद तो दिखाई दे रहा है आपका हर चीज में। शेखर कपूर ने आपको रोल दिया डाकू का बैंडिट क्वीन में, लेकिन आपको नहीं लगा कि मेरी एक्टिंग चली नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया? उस समय ऐसा था कि अगर आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब इससे अच्छा है कि आप कैमरे के बाहर रहिए। उस समय साइलेंट रोल्स और साइलेंट परफॉर्मेंस की उतनी ज़्यादा कदर नहीं होती थी। और अगर आप देखिए तो मैं दूसरा हीरो था बैंडिट क्वीन में, लेकिन जो पहला वाला हीरो था निर्मल पांडे, उसको तो ऐसी सफलता मिल गई कि मतलब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बॉम्बे में उसके पीछे पीछे। और जिसने दूसरा वाला रोल जो किया था, मान सिंह का मैंने किया था, बड़ी कमाल की भूमिका भी थी और मुझे लगा कि मैंने बहुत कमाल किया। लेकिन 5 साल बीत गए, एक देनदारा नहीं मिला मुझे उस रोल को करने के बाद, ना किसी ने एक शब्द मेरे बारे में लिखा। और उस फिल्म के बाकी जितने कैरेक्टर थे सबको कहीं ना कहीं फिल्मों में काम मिला? सबको मिला। सौरभ शुक्ला गजराजा, फिर ऐड फिल्मों में चला गया, जितेंद्र शास्त्री थे, निर्मल पांडे, सीमा विश्वास, सब कहीं ना कहीं बिजी होते चले गए थे, मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था। तो भी जिद नहीं छोड़ी? अब एक चीज़ है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं हो, तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज मैं दिमाग में, ये आपकी बात सही है। महेश भट्ट ने आपको स्वाभिमान में काम दिया जी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? उसका फायदा सबसे बड़ा हुआ कि मुझे महेश भट्ट मिले। मतलब 4 साल 5 साल के बाद उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने घर में टीवी खोला कि देखूं तो सही कि मेरे इस पे क्या काम चल रहा है स्वाभिमान पे। और वो मेरी किस्मत थी कि मेरा सीन चल रहा था, तो उन्होंने फ़ोन किया अपने प्रोडक्शन को, कहा कि भाई ये कौन सा अभिनेता है जो ये वाला रोल कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि इसका नाम मनोज वाजपेयी है, बहुत बढ़िया एक्टर है। नहीं नहीं, ये तो बहुत कमाल का एक्टर है, इसको इसका नंबर मुझे भेजो। तो उन्होंने कहा पेजर का नंबर है, पेजर हुआ करता था अगर याद हुआ तो, पेजर पे मैसेज आया, कॉल मी ऑन दिस नंबर महेश भट्ट। मुझे लगा कि कोई जो है मेरा बना रहा है बहुत बुरा। अब क्या बना रहा है आप लोग समझ ही चुके हैं। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर मान लीजिए कोई बना नहीं रहा है, सच वाले हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ़ोन किया नीचे जाके वो PCO से, तो वो भट्ट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा तुम अभी आ जाओ, और मैं उनके घर चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने तमन्ना फिल्म में मुझे रोल भी दिया। पूजा भट्ट प्रोडक्शन की वो पहली फिल्म थी जिसमें परेश रावल जी थे, मैं था। लेकिन एक कमाल का किस्सा है, परेश रावल जी की डेट्स की समस्या हो रही थी, तो महेश भट्ट जी ने जब मेरा काम देखा स्वाभिमान में, उन्होंने मुझे बुलाया था, ये सोच के बुलाया था कि अगर मान लीजिए परेश रावल जी किसी वजह से नहीं कर पाए, तो ये रोल इस लड़के से मैं कराऊंगा। और बहुत मुझे इज्जत दी, बहुत उन्होंने हौसला दिया। और पता नहीं उनको क्या दिखा मेरे अंदर, उनको दिखा कि ये आदमी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि तुम शहर छोड़ के जाना चाह रहे हो, जो कि बात सच है, लेकिन जाना मत,
तुम ऐसे एक्टर हो कि यह शहर तुमको इतना देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मंदू जी, आपने सारी बात बता दी जी। असली बात गोल कर गए। महेश भट्ट साहब ने आपके लिए एक विस्की की बोतल खोली थी। देखिए, मैं था फुकरा। हम लोग ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग। और वो भी मिलिट्री कैंटीन से, किसी किसी को सस्ती मिलती थी। हाँ, सस्ती वहाँ मिलती थी, तो वहाँ से हम लोग जुगाड़ करते थे। और उन्होंने मेरे सामने दुनिया की सबसे अच्छी उस समय की स्कॉच रख दी, ब्लू लेबल। और खुद तो पीते नहीं हैं वो। उन्होंने कहा, देखो मैं पीता नहीं हूँ, सिर्फ उन्होंने खोला, सूंघा और मेरे सामने रख दिया। क्योंकि पहले मैं बहुत पीता था मनोज, पी के गिर जाता था, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने, अब ये तुम पियो। तो मैंने कहा, सर मैं पीता हूँ। तो पिया, कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं हुआ। फिर बातचीत चलती रही, फिर डाला, इस बार थोड़ा ज़्यादा डाला कि अगर जाना पड़ जाएगा तो भाई कुछ हो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा भी डाला और वो खुद ही कह रहे थे, हाँ पियो 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 पियो। और तीसरा डाला, बातचीत कर रहे हैं, भट्ट साहब तो आप जानते हैं कैसे बात करते हैं, काफ़ी इंगेजिंग होता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिमाग में था कि ये चढ़ नहीं रही है मुझे। ये दारू कहने को महंगी है। अच्छा, ब्लू लेवल की खास बात क्या थी आपको जाननी चाहिए, वो चढ़ती है आधे घंटे बाद। तब तक मैं 4 पी चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि ये आधे घंटे के बाद चढ़ने वाली दारू है। जब वो चढ़ी, उसके बाद सबसे पहला ये हुआ कि महेश भट्ट जी मुझे दिखने बंद हो गए। उसके बाद जो भी वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ कि कोई आदमी। तो ये बड़ा कमाल का किस्सा है वो जी। और इसी तरह सत्या जी, जिसका भीकू मात्रे की हम इतनी चर्चा देख रहे हैं, जिसका भी कुछ शॉट्स भी हमने देखे, इतना लोगों को पसंद आया, उस फिल्म में आप हीरो बनने वाले थे जी। जी, पहले क्या हुआ कि एक दौड़ फिल्म में परेश रावल जी के साथ 3-4 उनके हेंचमैन थे, तो उसके लिए बुलाया गया मुझे। और रामगोपाल वर्मा जी ने मुझसे पूछा कि क्या क्या किया है तुमने। मैं बताया कि मैं स्वाभिमान करके एक सीरीज़ करता हूँ, सीरियल करता हूँ दूरदर्शन पर। तो और पहले मैंने बैनेट क्वीन की थी, तो उन्होंने कहा बैनेट क्वीन में कौन सा रोल, वो तो मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे शेखर कपूर की वो फिल्म देखने का एहसास हुआ है कि मुझे उससे अच्छी फिल्म बनानी है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा, सर उसमें मैंने मानसिंह का रोल किया था। तो उन्होंने कहा, तुमने मानसिंह का रोल किया था? मैंने कहा, जी। तुम तो बहुत यंग लगते हो। मैंने कहा, जी मैं उसमें मेकअप वगैरह भी हुआ था। वो लिटरली अपने सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये वाला रोल तुम बिल्कुल नहीं करोगे जिसके लिए तुम आए हो, इसमें 35,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस वाले में मैं तुमको मेन रोल में लेने वाला हूँ, तुम अभी के अभी सारे जितने भी काम कर रहे हो बंद कर दो, वो रोल तुम करोगे, उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मेरा। अब मेरे दिमाग में आया कि इस बम्बई शहर में ऐसे ऐसे वादे तो बड़े किए गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये भी एक वादा है जो राम गोपाल वर्मा जी कर रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं नहीं सर, वो 35,000 वाला दे दीजिए पहले। उसके बाद ये जब होगा तो मैं वो भी कर लूँगा सर। और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना सीरियस था इस बात को लेकर के, कि वो मुंबई माफिया फिल्म बनाना चाहते थे, मुझे मेन रोल में ले रहे थे। फिर अनुराग कश्यप को लेके गया मैं, सौरभ शुक्ला आए, सब ने लिखना शुरू किया। तो पता ये चला, उन्होंने कहा कि यार मैं जो हीरो वाला रोल है वो मैं किसी और को दूंगा, ये दूसरे रोल के लिए मुझे एक्टर चाहिए, वो तुम करो। मेरा जो दिल टूटा था उस दिन मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि यार वो फिर वो एक्टिंग वाला रोल, मतलब बस अब करियर वैसे ही रह जाएगा मेरा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भीकू मात्रे मेरी ज़िंदगी में मेरा पूरा जीवन बदलने के लिए आया हुआ है, मेरा पूरा करियर बदल गया था उसके बाद। उसमें कोई शक नहीं, लोगों ने बहुत पसंद किया जी। लेकिन वो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि
बिहार में जिस गांव में आप रहते थे आप भी तो गैंग बना के घूमते थे। मैं वो जो 12वीं के बाद जो बोर्ड के बाद मैं निकल नहीं पाया रजत जी वहाँ से, तो करने को कुछ नहीं था, वहाँ थिएटर नहीं था, ड्रामा नहीं था, और मैं किसी तरीके से जो इंटर का जो है पूरा कोर्स कर रहा था कॉलेज में, बहुत अनमने भाव से कर रहा था। तो उस समय बहुत सारे दोस्त मिले, फिर उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, वो स्ट्रीट फाइट, वो गैंग बना के चलना, वो फिल्में देखने जाना, उधर उस गली का के गुंडे से भिड़ जाना, उधर के गुंडों से भिड़ जाना। तो उस ज़िंदगी को मैंने बड़े करीब से देखा था, और बड़े बड़े वहाँ पे क्रिमिनल्स को देखा मैंने। शायद वो जो मेरा बिकू महात्रे का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो मुमकिन शायद इसलिए हो पाया कि मैंने उस ज़िंदगी को आसपास से देखा था। और बिकू महात्रे मुंबई का माफिया किंग था, लेकिन पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने लिया था अपने बेतिया शहर के एक बड़े क्रिमिनल से। वो भी कलरफुल ये पहनता था, शर्ट्स पहनता था, और नीचे बनियान पहनता था, और शर्ट उसके खुले रहते थे। तो वो जो पूरा वो पूरी ज़िंदगी थी वो मुझे काम आई, उसने मुझे कैरियर दिया। लेकिन ये नेगेटिव रोल्स का अच्छा सिलसिला चला। इसके बाद अक्स में आपने अमिताभ बच्चन के साथ रोल किया। जी, उसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मुझे वो रोल मिला था, 6 महीने लगाए थे मैंने उसको प्रिपेयर करने में, राघवन का। मेरे हिसाब से पहला जो जोकर, जो बैटमैन में जोकर जानते हैं आप लोग, जो पहला जोकर था वो हम लोगों ने किया था अक्स में। लेकिन आप अच्छे भले खलनायक बने थे, फिल्म इंडस्ट्री को लगता था एक अच्छा विलन आ गया है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े कि नहीं मैं तो नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। नहीं देखिए, वो नेगेटिव रोल के नाम पे वो विलन बनाते थे, किसी में आमिर खान मारेगा, किसी में शाहरुख मारेगा, किसी में सलमान मारेगा। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं करना है, ये इससे मैं कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स करना चाहता था, और विलन ऐसा भी नहीं लगे कि वो मंगल ग्रह से आया हुआ। लेकिन इस तरह के रोल मिले नहीं, आपने किए नहीं, और 7 साल तक खाली बैठे रहे। हाँ नहीं, खाली नहीं बैठा, कुछ एक काम किए, बहुत अच्छे काम नहीं थे, लेकिन कुछ एक अच्छे काम हो गए। जैसे स्वामी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी मैंने, 10 तोला बड़ी अच्छी फिल्म की थी, एसिड फैक्ट्री एक फिल्म की थी मैंने, वो भी एक फिल्म थी जो हम। अब मैं आपको वाली फिल्मों के नाम गिना देता हूँ। हाँ, फरेब, हाँ, पिट गई, हाँ, बेवफा, सब पिट गई, पिट गई, हाँ, इंतकाम भी पिट गई, हाँ, इसके बाद मनी है तो हनी है जी, एसिड फैक्ट्री, जेल, ये सब फिल्में आई और चली गई। चली गई, लेकिन इससे ये हुआ कि मेरा किचन जो है वो चलता रहा। तो ये जो फिल्में थी ये आ करके इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे वो जो बुरा दिन था, उस बुरे दिन में भी मुझे बुरे दिन का एहसास ना हो, इसमें ये सारी फिल्में हेल्प करी। लेकिन रजत जी एक चीज़ मुझे बहुत पता थी कि यार मुझे काम आता है, मुझे बस एक रोल चाहिए, और वो रोल पता नहीं कब हो मिलेगा मुझे, जिस दिन वो रोल मिलेगा मैं वापस आ जाऊँगा। और वो रोल था राजनीति का, जो प्रकाश झा जी ने मुझे दिया था। जिस दिन करारा जवाब मिलेगा प्रोमो शुरू हुआ, उसके बाद मेरे पास वापस से काम ही काम आ गया था। लेकिन आप तो कहते थे कि मैं नेगेटिव रोल नहीं करूंगा, हाँ। फिर राजनीति में नेगेटिव रोल किया, फिर सरदार खान का रोल गैंग्स ऑफ वसैपुर में। नहीं, नेगेटिव वो नेगेटिव ठीक है जिसके मतलब जिसकी अपनी कहानी है वो सब, लेकिन एक विलन जो है शुरू से ही डागा आज तेरा खून पी जाऊंगा, वो तो मुझे उस तरह के रोल से या सोना कहाँ उतरेगा, हाँ सोना कहाँ उतरेगा, आज सोना मड आइलैंड पे उतरेगा तो उस तरह के रोल नहीं करना चाहता था मैं। तो ये जो नेगेटिव है, जैसे जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता। उसमें दो परिवार की लड़ाई थी, और मैं एक परिवार का बड़ा बेटा था, एक परिवार का बड़ा बेटा वो अर्जुन रामपाल, और छोटा जो था वो रणबीर कपूर था। तो इन दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई थी, इसमें सही कौन है गलत कौन है ये बोल पाना बड़ा मुश्किल था। इस तरह के रोल्स जब मुझे मिलते थे तो बहुत मज़ा आता था उनको करने में भी। तो सरदार खान का रोल कैसे मिला? अनुराग कश्यप, उसने और मैं और वो जो है बातचीत बिल्कुल हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था, कुछ मनमुटाव हो चुका था। उसी का फ़ोन आया 10 बजे रात को कि आप मेरे साथ काम करेंगे, और वो भी 10 साल के बाद। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप कब इसको पढ़ेंगे? मैंने कहा तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी भेज दो, मेरा ड्राइवर जा चुका है, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। मैं चला गया और उसने पढ़ना शुरू किया, उसके असिस्टेंट भी बैठे थे। मुझे आधे में ही लग गया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ।
तो मैंने उसको बोला तू रेड वाइन मंगा ले, तो उसने कहा आप पूरा पढ़ तो लो पहले, पूरा पढ़ लें दो फिर उसके बाद करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं अभी मंगाओ। तो उसने मंगाया और लड़का चला गया लेने के लिए, फिर ये पढ़ता रहा। फिर मैंने कहा इसको कि तू बनाएगा कैसे, इसको ये बता कैसे बनाना चाहता है। कहता है कि ये मेरे लिए ना कमर्शियल फिल्म है और सरदार खान मेरी फिल्म का इस पार्ट वन का हीरो है, तो और मेरा हीरो बिल्कुल अलग होना चाहिए, मैं जिस तरह से देखता हूँ ना कमर्शियल फिल्म को वैसा होना चाहिए। मैंने कहा कैसा, तो उसने कहा आड़ा टेढ़ा जैसे आम आदमी होता है। मैंने कहा ठीक है। अगली बार जब मैं मिला उसे तो मैंने कहा बाल काट दे मेरे अनुराग, तो मैंने कहा, उसने कहा ठीक है। जब बाल काटना शुरू किया, बाल कटते कटते वो बार्बर को रोके ही नहीं। मैंने कहा अब भाई हो गए भाई हो गया, कहता नहीं नहीं अभी अभी नहीं अभी नहीं जाने दो जाने दो, करते करते कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से सरदार खान का लुक डिसाइड किया था हम लोगों ने। और उस रोल में जो गालियां दी आपने उसकी बहुत चर्चा हुई। मेरी जिंदगी की त्रासदी है कि मैं जब अच्छी बात करता हूँ तो कोई नहीं उसकी तारीफ करता है, जब गालियां देता हूँ तो बहुत तारीफ करता है। किसने कहा कि वो गालियां डायलॉग राइटर की नहीं थी, मनोज वाजपेयी की अपनी थी? जी बहुत सारी बहुत सारी। मैं बिल्कुल जो जीता वही सिकंदर, उसके बाद जो एक मुझे लगा कि यार यहाँ पे सीन नहीं खत्म होना चाहिए, सीन जो है अच्छे से कंक्लूड होना चाहिए, तो मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया। जब मैंने इम्प्रोवाइज किया तो जो डॉक्टर बैठा था वो हंसते हंसते वही गिर गया। उसने कहा यार मनोज अगर ये बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टर ने कहा कि भाई आपको अगर मिलता है मौका और सही है गाली देना तो आप दीजिए। तो उसने भी ट्राई किया, जब उसने ट्राई किया तो डायरेक्टर ने सीन को वहीं रोक दिया। मैंने नहीं नहीं इट इज़ नॉट वर्किंग, वो वाला गाली वर्क कर रहा है। ये जैसे आम जिंदगी में हम लोग बिहेव करते हैं, कोशिश ये रहती है कि हम उस चीज़ को पर्दे पे लेके आए, लेकिन गाली जो है हम अननेसेसरी कभी नहीं करते। कितनी बार गालियाँ खुद स्क्रिप्ट में लिखी भी होती है तो हम काट देते हैं कि भाई इसके बिना काम चल सकता है, नहीं यहाँ पे गाली चाहिए क्योंकि ये जिस तरह का कैरेक्टर है और जिस तरह का सिचुएशन है यहाँ गाली होगी। वहाँ पे हम मोरालिटी नहीं लेके आते कि कल को जो है ट्विटर पे देखूंगा कि लोग जो है लगे पड़े हैं, और ट्विटर पे तो रोज़ गाली दे रहे हैं। तो फिल्मों में गालियों से इतना परहेज क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि ट्विटर पर जो गालियाँ हैं वो माला डाल के आती हैं, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक आपने जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें आपका एक मुनादी काफी फेमस हुआ था, वो हजरात वाला। सर प्लीज एक बार वो डायलॉग सुना दीजिए। उसमें एक गाली है लेकिन मैं उसके साथ बोलूंगा, बाकी आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। ओके। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से अड़ी का नाच नचाएंगे। मनोज ये तालियां साबित करती हैं आपने जो जिद की थी वो कितनी कामयाब हुई। यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज वाजपेयी पर जनता के इल्जाम और सवाल आपका एक और। पता है गाली क्यों उसमें शुरू हुआ, मैंने दिया है, लोग समझेंगे कि ऐसे ही गाली दे रहा हूँ। आप बनारस गए रजत जी? जी हाँ। है ना, वहाँ पे अच्छी बात भी बिना गाली के तो होती नहीं। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं
19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर ना हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम खबर ज्यादा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला, शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल, आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली, जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ, आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज, करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था लेकिन ये आपको किसने बताया। अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मनोज बाजपेयी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम, आपकी अदालत में फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी पर आरोप है कि ये हर जगह अपनी मर्जी चलाते हैं। एक बड़ा फेमस गाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो मुझे लगता है ये आपका थीम सॉन्ग होना चाहिए, सब जगह मेरी मर्जी। अगर मैं अपनी मर्जी का नहीं करता तो एक गांव के किसान का लड़का आप लोगों से इतनी इज्जत और इतना प्यार कैसे पाता, ये मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं आपका नाम आप अपनी मर्जी से ही नहीं रख पाए थे, आप उसको बदलना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मनोज कुमार जी की के प्यार में आकर के उन्होंने मेरा नाम मनोज रखा था। जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक जो है किसी भी बाजार में बिहार में आप जाइए तो वहाँ पे होता है मनोज पंक्चर वाला, मनोज लिट्टी चोखा वाला, मनोज साइकिल वाला, मनोज मीट भात वाला। उस समय की हालत ऐसी थी कि ऊपर कोई अगर थूक भी थे तो गिरता भी मनोज पे ही था। इतना कॉमन नाम हो गया था वो, तो मैं चाहता था कि ऐसा नाम हो जो कि किसी का ना हो। तो मैंने नाम सोचा था समर, कि मैं अपना नाम समर रखूंगा। लेकिन शूल फिल्म में संजय सिंह नाम रखा था उन्होंने मेरे किरदार का, अनुराग कश्यप ने। तो मैंने कहा यार ये जिस तरह का रोल है इसका नाम संजय नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा क्या नाम होना चाहिए, मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए समर प्रताप सिंह, क्योंकि मैं अपना नहीं बदल पाया तो मैंने अपने नायक का ही बदल दिया। और ये भी सुना कि आपको अपनी शक्ल भी पसंद नहीं है, आप उसको भी बदलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी भी अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए कि इसमें सुधार हो सके तो कुछ सुधार की संभावना, क्या बहुत सारी संभावना है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट कर लेता हूँ मैं काम से, तो इसलिए अभी तक जो है बचा हुआ हूँ। लेकिन जिस तरीके से AI वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत, मतलब इस दुनिया से जाने से पहले एक बार बदल तो लूँगा। कोई कह रहा था कि आप जब मेकअप करा रहे होते हैं तो शीशे में अपना चेहरा नहीं देखते। नहीं बिल्कुल नहीं देखता मैं, नहीं कुछ देखने के लिए है ही नहीं, क्या देखूँगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि कम से कम मरने से पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो एक अच्छा चेहरा जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सत्या का रोल था मैंने सुना कि उसके लिए आप अपने राइटर ले गए थे। नहीं, वो शुरू से, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी ने कहा था कि मुझे राइटर्स चाहिए
और मैं जो बैंडिट क्वीन में इतने सारे टैलेंट्स के साथ तुमने काम किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, मुझे उस तरह के टैलेंट आप ला के दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी राइटर चाहिए जो नए तरीके से लिखे। तो मैं मिला था अनुराग कश्यप से, हम सब लोग यंग थे, वो मुझसे भी छोटा था, तो अनुराग कश्यप को लेके गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डायलॉग राइटर चाहिए, तो सौरभ शुक्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, मैं उनको लेकर के गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें मैं भी ऐसी कई सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। दी फैमिली मैन जी, उन्होंने आपको स्क्रिप्ट सुनाई, तिवारी का कैरेक्टर बताया, आपने पूरे ध्यान से सुन लिया, उसके बाद डायरेक्टर से कहा कि मैं बताता हूँ ये क्या होना चाहिए तिवारी। आप लोगों को बुरा लगता है श्रीकांत तिवारी? फैमिली मैन शुरू होने से पहले श्रीकांत तिवारी की कहानी ये है कि ये बनारस का रहने वाला, वहाँ पे पैदाइश इसकी, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, यूपीएससी कंप्लीट किया हुआ आदमी है, और अब जो है इंटेलिजेंस में काम करता है वो। पता है गाली क्यों उसमें शुरू हुआ, मैंने दिया है, लोग समझेंगे कि ऐसे ही गाली दे रहा हूँ। आप बनारस गए रजत जी? जी हाँ बिल्कुल, है ना, वहाँ पे अच्छी बात भी बिना गाली के तो होती नहीं। तो उसकी आदत वैसी है, जबान ऐसी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अपनी पत्नी से मिला था जो कि साउथ इंडिया की थी, और फिर इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ मुंबई जैसे शहर में। तो ये कहानी है। अब उसको जब बनारस का बनाना है और बनाया है उसको, तो उसके साथ न्याय तो करना पड़ेगा। तभी वो आदमी इस तरह का है कि अपने बेटे और हम बनारस, उसके बेटे से क्या कहता है कि जोर से मत फूंक वरना पीछे से हवा निकल जाए। तो उसको देखिए, उसमें हमारे नॉर्थ में क्या है कि बाप जो होता है वो अपनी पत्नी से और बेटियों से बहुत घबराता है, और बेटों को अपना कंपटीटर मानता है। तो बेटों को गाली देने में एक सेकंड भी नहीं वो कतराता है, लेकिन बेटियों के सामने भी गाली नहीं दे सकता है वो। तो उसको नॉर्थ का बाप बनाया है मैंने, तो इसलिए वो उसके सामने किसी भी तरीके की बात करता है, और बहुत ही तंग है अपने बेटे से, बहुत तंग है। उसको लगता है कि यार ये मतलब मेरे घर में ऐसा नालायक कैसे पैदा हो गया, जो वो म्यूज़िक सीखना चाहता है लेकिन उसको ताल का भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो उसको लग रहा है कि पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, जो पगार आ रही है गवर्नमेंट से वो बिना मतलब इसके ट्यूशन में खर्च हो रहे हैं। लेकिन अब जो आपकी नई फिल्म आ रही है, इसमें काफ़ी गुड लुकिंग है, आपने सुना है? हाँ, बहुत सुंदर हूँ मैं। देखिए, अगर थोड़ा सा गुड लुकिंग हो गया तो आई कैन ऑल्सो से आई एम टैलेंटेड एंड आई एम गुड लुकिंग टू। क्या गुड लुकिंग इसलिए कि जो एक बंदा काफ़ी है? प्रोड्यूसर मुझे बता रहे थे इसमें डायरेक्टर कौन होगा, ये भी आपने तय किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मेरी मर्जी से नहीं होती, मेरे प्रोड्यूसर की मर्जी। मैंने उनको पूछा, सुपर्ण से और विनोद भानुशाली जी से, कि भाई कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन इसका डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा वो आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा राइटर वो भी आप ही डिसाइड कर लो। अब जब उन्होंने मुझे दिया तो कम से कम ये हुआ कि बंदा फिल्म का जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, यंग आदमी है, और उस आदमी ने एक एस्पिरेंट करके शो बनाया था यूट्यूब पर, अच्छा था ना है वो। उस डायरेक्टर को मैंने कहा वो डायरेक्टर रहेगा इस फिल्म का डायरेक्टर, सर आप एक बार काम देखो। सुपर्ण वर्मा ने कहा मैं जानता हूँ, मैं लेके आऊँगा। और जो फिल्म बनाई है आज मैं कह सकता हूँ कि बंदा फिल्म मेरे अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये फिल्म तो ट्रेलर आया उसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, आसाराम बापू के लोगों ने केस कर दिया। पता नहीं क्यों केस किया, हमने तो कोई नाम ही नहीं लिया। देखिए, विक्टिम का वकील उस विक्टिम के जो असली वकील है उसकी तरह दिखता है, उसका नाम वही है। आसाराम बापू के जो वकील हैं राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी वैसे ही दिखते हैं आपकी फिल्म में। मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, सोलंकी, कितना बढ़िया नाम है। अभी तक हम लोग जो है हिंदी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स के नाम और हीरो के नाम क्या होता था, विजय, राहुल, देव, और कितना बढ़िया है सोलंकी, वकील सोलंकी।
है ना, एक नए तरीके का नाम है, नए तरीके का हीरो है जो हमारे बीच से आता है, आम आदमी के बीच से आता है। लेकिन वासाराम बापू के समर्थक सपोर्टर सोशल मीडिया पर बहुत कैंपेन चला रहे हैं कि आसाराम को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। वो कृपया फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद उनकी सारी राय बदल जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और अब थोड़े दिन में लोग कहने लगे जैसा आजकल फैशन है कि इस फिल्म को बॉयकॉट करो। बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा लोग आएंगे देखने के लिए। यहाँ एक और ब्रेक के लुटेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज वाजपेयी पर इल्जाम और सवालात का एक बात। जिन लोगों के पीछे आप ईंट लेके भागे थे वो क्या किस्सा था? कुछ नहीं, दारू पीकर लड़ाई हो गई थी और क्या। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही है स्वीकार? कहानी कुर्सी की सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर। रोबोट और रफ्तार, नॉलेज लगातार। टेक्नोलॉजी जो मददगार, हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक व्हील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं लोकप्रिय कलाकार, जबरदस्त एक्टर मनोज वाजपेयी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में एक्टर मनोज वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं। आपकी वाइफ कहती हैं कि जितने लोगों को आपने नाराज किया है उसके हिसाब से तो आपको खत्म हो जाना चाहिए था। अब मैं आपको गिनाता हूं, आपके जो दोस्त हैं अनुराग कश्यप, सत्या में, शूल में, कौन में आपके साथ काम किया, वो कहते हैं कि मनोज का गुस्सा बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, बेतिया से लेके मुंबई तक सब जानते हैं, और उन्होंने 11 साल आपसे बात नहीं की। हाँ, नहीं बात नहीं किया था, उसका कारण कुछ दूसरा था। लेकिन हाँ, मैं उसके पीछे भी भागा था एक बार, उसको भी जो है उससे नाराज़ हो गया था, तो वो आगे आगे भाग रहा था, मैं पीछे पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए। और वो अकेला नहीं है, ये जो टिक मैचू धूलिया हैं इनके पीछे भी आप ईंट लेके भाग रहे थे सड़क पे। अब छोड़िए, क्या आज सब बात कर रहे हैं। ये सब जवानी की कुछ गलतियां हैं, तो ये उनके बारे में क्या बात करें, बहुत हैं। हंसल मेहता, उनके साथ आपने इतना काम किया जी, तो उनका कहना है कि अमेरिका से फोन करके खूब गालियां दे दी मनोज ने, उसके बाद 6 साल उन्होंने आपसे बात नहीं की। जी सही है, स्वीकार है, स्वीकार है, माफी मांगता हूं। अनुभव सिन्हा, सिर्फ आपको 2000 रुपये कम मिले थे इसके लिए आपने उनको सुना दिया अच्छी तरह से। अच्छा, मैं अनुभव सिन्हा के, अब जरा मैं ये आपको
वाकया मैं बताता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं सही था कि गलत था। अनुभव सिन्हा एक सीरियल कर रहे थे, उसमें मेन रोल हमारे एक दोस्त थे विनीत कुमार, वो कर रहे थे और मुझे उस माफिया किंग का राइट हैंड का काम मिला था और वो गुंगे का रोल था। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के साथ में ये तय हुआ कि 4,000 रुपये पर एपिसोड मुझे मिलेगा, तो मैंने अपना पैसा उनसे नहीं लिया। 4 एपिसोड शूट हुआ तो कितने पैसे हो गए सर मेरे? 16,000 रुपये। और 16,000 कब? 93 में, जब खाने के पैसे नहीं होते थे। अब क्या हुआ कि जब मैं पैसा लेने गया तो प्रोड्यूसर ने कहा, यार मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया गया। मैंने कहा क्यों, तुझे ऐसा इतना पैसा क्यों मिलना चाहिए? मैंने कहा क्यों सर, मैंने काम किया है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि तू गूंगे का रोल कर रहा है। तूने डायलॉग ही नहीं बोला तो 4,000 रुपये किस बात के? तो मैंने कहा नहीं भाई, गूंगे के रोल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ डायलॉग बोलना थोड़ी होता है। कहते ना ना ना, 1,500 रुपये दूंगा मैं, क्योंकि तूने डायलॉग नहीं बोला है, गूंगे का रोल किया है तूने। तो उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। और मैं गुस्से की बात पे आऊँ, वहाँ पे मैंने कहा कि तो रख लो अपना, तुमको दान दे दिया। मैंने 16,000 रुपये जो है उसके मतलब वो जो चेक दिया था वो ऑफिस में फेंक के आ गया था। उसके बाद अनुभव सिन्हा को फ़ोन किया तो अनुभव सिन्हा कहा कि यार वो तो प्रोड्यूसर है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं गुस्सा हो गया उससे कि तूने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। अब मेरा इतना जिगरी दोस्त, अगर उसने स्टैंड नहीं लिया तो इसलिए नाराज़ हो गया था मैं। क्या मैं सही था कि नहीं था बताइए? लेकिन जिन लोगों के पीछे आप ईंट लेके भागे थे वो क्या किस्सा था? कुछ नहीं, दारू पी कर लड़ाई हो गई थी और जब मनोज वाजपेयी पी लेते थे हाँ तो उसके बाद कंट्रोल मुश्किल था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं कभी नहीं, मैं इस मामले में हमेशा जब तक मैंने छोड़ी भी तब तक मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं उन्हीं दोस्तों के साथ मैं बैठता हूँ जो लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ जिन मैं जानता हूँ कि ये लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं बैठता भी नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। रजत, आप रात को नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन करके कहते हैं आई लव यू? देखिए इसमें कितना प्रेम है। जब मैं पीता था तब की बात कर रहा हूँ, उसमें नसीर साहब मेरे लिए मेरे भगवान जैसे रहे, एक्टिंग के देवता रहे। तो मैं उनको कोई फिल्म देख लेता था उनकी और मैं एकदम गदगद हो जाता था, कितना सीख रहा हूँ मैं। तो रात को फ़ोन कर देता था उस नशे में अपना प्यार जताने के लिए। तो एक बार फ़ोन किया मैंने उनको, क्योंकि एक सीन किया था तो मुझे मैंने उनसे जो सीखा था बहुत कुछ उसमें यूज़ किया, तो मेरा डायरेक्टर खुश हो गया था। तो मैंने सीन उनको फ़ोन किया अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहा था, तब मैंने कहा नसीर भाई आई लव यू सर। तो उन्होंने कहा मनोज मियाँ कितना पी चुके हो? तो जिन दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हैं ना वही बताते हैं कि एक जमाना ऐसा था। करता था रजत जी, अब कहाँ। अब मैं उसी जमाने की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 40 रुपए की बॉटल आती थी जी, मनोज वाजपेयी पूरा पी गए और डांस किया हाँ, और ये वही डांस है जो बाद में सत्या में आया। तो देखिए ना, ये जो भीकू मात्रे का डांस जी, भीकू मात्रे भी अपने गैंग के किसी दोस्त की बहन की शादी हो रही है उसमें नाच रहा है, सब लोग दारू पिए हुए हैं और सब नाच रहे हैं। नाच गाना तो ऐसे ही होता है सड़कों पे और आम लोगों के शादियों में समारोह में तो ऐसे ही होता है, वहाँ थोड़ी कोई ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, किसी को नहीं हुआ। और जो बहुत ज़्यादा पी जाता है वो ऐसा वाला डांस करता है जो दुनिया में मतलब माइकल जैक्सन ने भी नहीं सोचा होगा। जनता से कुछ और सवाल ले लेते हैं जी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जनता आपके अभिनय की दीवानी है, लेकिन आपने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, कुछ खास वजह? वजह तो वही लोग बताएंगे। यश चोपड़ा जी ने आपको बुलाया था, वीर ज़ारा में काम किया था आपने जी, उन्होंने बुलाया, बड़े सम्मान से बुलाया, बहुत सम्मान दिया। और मैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, पिंजर देखी थी उन्होंने, अडवाणी जी और अटल जी ने जब फिल्म देखी थी तो उस समय यश चोपड़ा जी भी थे उस हॉल में, और पिंजर देखने के बाद वो इतने खुश हुए थे मेरे काम से,
कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रोल है और मैं तेरे अलावा मैं किसी को सोच नहीं पा रहा हूँ, तो तू क्या मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करेगा? इतना बड़ा सम्मान दिया यश चोपड़ा जैसे महान निर्देशक ने, और मैंने कहा कि सर आप जो बोलोगे मैं करूँगा, और मैंने उसमें काम भी किया और मेरा एक्सपीरियंस यश जी के साथ में बहुत ही कमाल रहा, और मैं यश जी को वैसे ही बहुत याद इसलिए करता हूँ कि मैं एक अलग तरीके का एक्टर था, अलग तरीके की फिल्में करता था, लेकिन जिस तरह का सम्मान उन्होंने पूरी शूटिंग में दिया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी रजत जी, उन्होंने कहा था कि देख मैंने कहा कि यश जी अब आगे ना मैं आपके साथ मैं बड़ा रोल करना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा मैं तेरे जैसी फिल्म ही नहीं बनाता तो मैं तुझे वादा कैसे कर दूँ कि तुझे मैं इससे ज़्यादा बड़ा रोल दूंगा, लेकिन जो तूने किया है उसने उसी से मैं इतना खुश हूँ, मैं दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूँ मैं कि ये फेवर लौटा पाऊँ तुझे। अनुपम खेर ये कहते हैं कि आज भी इतनी फिल्में करने के बाद भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं और काम मांगते हैं। जी मैं भी करता हूँ सर, और अब मैंने तो उनको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता? नहीं, बहुत देखिए ना, मुझे नीरज पांडे मिला मेरी अपनी ज़िंदगी में, उसी कारण नीरज पांडे के साथ 6 फिल्में की जब मेरा बुरा दौर चल रहा था, तो ये अनुपम जी की ये जो डिसिप्लिन है वो मैं लागू कर रहा था, और इसी चक्कर में वेडनेसडे फिल्म आई तो मैंने नीरज पांडे जी को फ़ोन किया कि आप मुझे काम दीजिए, मेरे पास काम अच्छा काम नहीं है, और उसके बाद उन्होंने स्पेशल 26 दिया था मुझे, स्पेशल 26 का वो रोल इतना पसंद किया गया कि उसके कारण मुझे बहुत काम आए, और खुद नीरज पांडे ने मेरे साथ मुझे 6 बार मौके दिए, तो वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, काम मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है, अब मैं काम मांगने के बजाय अब नए जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं अब मैं उनको इधर उधर से ढूंढता रहता हूँ कि कोई बढ़िया नया डायरेक्टर मिले जो मेरे पास जो है उसको और उभार कर सामने लेके आए, कुछ नए तरीके से कहानी लिखे, क्योंकि समाज बदल गया है। हमारी तो दुआ है कि आप और सफलता की ऊंचाइयां कायम करें और आपका हुनर निखर के आए और अच्छे डायरेक्टर्स आपके साथ काम करें, लेकिन मेरे पास इल्जाम भी बाकी हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज वाजपेयी पर इल्जाम और सवाल का एक होता हूँ। हवाई जहाज उड़ी, आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे, अचानक से आवाज आई, वो हिली और इधर इधर मैं घबराया, ऐसे करके दूसरी तरफ देखा अनुपम जी। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाई, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर ना हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम खबर ज्यादा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल, आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली, जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर CBI भेज देते हैं, ED भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ, आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज, करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। वेलकम बैक,
आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मनोज वाजपेयी से आपकी अदालत में। अगला इल्जाम, आपकी अदालत में फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी पर आरोप है कि ये अजीब अजीब शौक पालते हैं। अब देखिए, मुझे पता चला कि आपको बाजार में जाके आलू टमाटर भिंडी प्याज धनिया ये खरीदने की बड़ा शौक है। नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगता है, और मेरी पत्नी ऐसी हैं कि वो हम लोग शूटिंग से आ रहे होते हैं और कहती हैं सुनो आते हुए ना बैंगन ले लेना और परवल ले लेना, और मुझे किसी और दुकान से नहीं, तुम जब चार बंगला में जो वो बाजार लगता है तुम आते हुए सिर्फ वहीं से लेना। आजकल सब्जी वाले क्या करते हैं, मेरी खिड़की के पास चले आते हैं, ना ना भैया अंदर बैठो, भैया भैया क्या क्या चाहिए? मैंने कहा अच्छा 2 किलो आलू 2 किलो टमाटर आधा किलो परवल ये करो। मैंने कहा ठीक है मैं बाहर आ, नहीं नहीं आप बैठिए अंदर, बाहर में भीड़ लग जाएगा सर। आजकल आजकल वो गाड़ी से निकलने नहीं देते। लेकिन अगर अपना अपने घर का काम नहीं करे आदमी तो कौन करेगा, है कि नहीं? आपको ये भी शौक है कि सुबह सुबह किचन में जाके बर्तन धोते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बर्तन जो है सिंक पे वैसे ही पड़ा रहता है, और वहां से मुझे और मेरे मेरी पत्नी को भी नहीं अच्छा लगता। तो हम ये तो वो सारे काम आपसे ही कराते नहीं, तो बहुत अच्छी बात की। तो हमने बांटा हुआ है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तो वो खाना बनाती हैं, जो बर्तन निकलता है मैं धो देता हूँ, और खाना बना और देखिए उसमें उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी कैरेक्टर पे काम कर रहा हूँ या अगले दिन के सीन पे काम कर रहा हूँ तो चल रहा है और सोचे जा रहा हूँ, है ना, कैरेक्टर भी तैयार हो रहा है, सीन भी याद हो रहा है, बर्तन भी धुल रहा है, तो कई सारे काम और जो घर में शांति भी बनी हुई है, शांति बनी। आजकल एक नया शौक आपने पाला है, पैसा कमाने का। ये नया जुनून है। कैसे सर, बताइए। देखिए, आपने कहा कि 10 साल में 50 फिल्में करना चाहता हूँ, 40 दिन में हर बार नया प्रोजेक्ट करूंगा, अब मुझे पैसे कमाने। आप तो बहुत दिन हो गए भूखमरी के। देखिए अच्छी बात क्या है, 40 दिन से ज़्यादा मेरी फिल्में नहीं लेती हैं। बंदा मेरी 35 दिन में बनी है और गुलमोहर मेरी 34 दिन में बनी थी। तो मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों की फिल्में जो बड़ी फिल्में बनाते हैं उनको लगता होगा 70 दिन 80 दिन 100 दिन 150 दिन, और मेरी कहानी वाली फिल्म होती है, किरदारों वाले होती है। लोग भाई लोगों को अच्छा अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छा काम चाहिए, तो कोई 100 दिन में ठीक ठाक पैसे कमाता है, मैं 40 दिन में ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरी जिंदगी चल जाती है। भाई आपकी फिल्म का डायलॉग है जी, अगर पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता, पैसा ज़्यादा हो तो दिल नहीं भरता। हाँ, पैसा ज़्यादा तो कितना ज़्यादा पता नहीं, उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ कम का ज़रूर डेफिनेशन है। कम जब होता है तो तकलीफ़ बहुत होती है, यहाँ तो सब लोग मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि जब पैसा कम होता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन पैसा उतना होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आराम से कट जाए, जिस होटल में जाके खाना चाहें खा पाएँ, जिस टैक्सी को में बैठना चाहें बैठ सकें, और जो ज़िंदगी में जहाँ से इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा पाएँ, हो गया। लेकिन एक ज़माना था आप दोस्तों के लिए मुफ्त में काम कर देते थे, फ्री में फिल्में करते थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी फिल्में मैंने फ्री में किया है, बहुत सारी फिल्में, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, जुबैदा फिजा मैं नाम जी, पर बजट ही नहीं होते थे उस समय में। जैसे मैंने बागी 2 की थी अहमद खान के लिए, अहमद खान दोस्त था, उसने फ़ोन किया कि तुझे करना ही है, इसमें तेरी ज़रूरत है, तुझे हेल्प करना है, मैंने कर लिया। बागी 2 ने 280 करोड़ कमाए मेरे ख्याल से, या 250 करोड़। टाइगर श्रॉफ को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि वो हीरो था, मैं उसमें नेगेटिव रोल में था तो मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मुझे अपनी फिल्म बनाने के लिए बाज़ार ने पैसे दिए, तो मैं बड़ी फिल्म भी इसलिए भी करता हूँ ताकि मुझे वहाँ से स्ट्रेंथ मिले, बाज़ार में आपका भाव बढ़े, ताकि बाज़ार आपकी और फिल्मों पर पैसा लगाए, इसलिए मैं जो है मैं कहता हूँ कि 40 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। नहीं, मैं सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ, इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहा हूँ, लेकिन
मेरी दुआ है और मेरी इच्छा है कि आप बहुत पैसा कमाएं जी। आप में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, 30 साल में 100 फिल्मों से ज्यादा आपने काम किया है, तो आपको उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, अरे थैंक यू, ताली बजाइए भाई। एक और शौक है जिसका जिक्र आता है कि आपको डांस करने का शौक है, लेकिन जब से ऋतिक रोशन का डांस देखा आपने उस शौक को छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है, मैं डांस वांस करता था, मिथुन चक्रवर्ती साहब थे तब तक जो है हम लोग, ऋषि कपूर जी को देख के लगता था कि यार ये थोड़ी मेहनत करूं तो ये कर सकता हूं, हमने जो है हम उसके आसपास भी पहुंच गए थे। लेकिन अचानक एक दिन एक नायक आता है, एक हीरो आता है और वो कुछ ऐसा नाचता है कि उसके बाद हमारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने वो देखने के बाद मैंने अपने आप को वही कहा जो रामाधीर सिंह के ने अपने बेटे को कहा था, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आपको तो शाहरुख खान ने बहुत पहले जब आप साथ में थिएटर करते थे डांस सिखाने की कोशिश की थी, आपको डिस्को लेके गए थे। नहीं, डांस सिखाने के लिए नहीं, उसने ये लोग जा रहे थे, मैं पीछे पीछे टंग गया था। तो ये लोग तो खैर साउथ दिल्ली में रहने वाले लोग थे और मैं था कि ये लोग अच्छी वाली सिगरेट पीते थे और मैं अच्छी वाली बीड़ी पीता था। तो वो हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, तो ये लोग जा रहे थे मौर्या, वहीं पे था घुंगरू, घुंगरू करके डिस्कथेक हुआ करता था, तब लेके गया मैं, मेरे पास तो चप्पल थे। अब वो डिस्कथेक वाले ने कहा कि यार ये चप्पल वाले को तो अलाउड नहीं करेंगे हम। तो लॉबी में घूम घूम के शाहरुख और उसके दोस्त जो हैं किसी से जूता उधार मांग रहे थे कि जूता उधार देते तो इस आदमी को लेके। तो एक आदमी मिल भी गया था जिसने जूता उधार दिया था, मेरा चप्पल पहना, वो बाहर रहा, वो कुछ काम कर रहा था उधर, उसका जूता उधार में ले करके मैं अंदर गया था। पहली बार मैंने डिस्कथेक देखा था और देखा अंधेरा और लाइट चमक रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो एक गांव के आदमी को पहली बार डिस्कथेक देखने का मौका शाहरुख और उसके दोस्तों के कारण मिला था। आपका एक डायलॉग है ना सत्या में, मुंबई का किंग कौन। हाँ हाँ, तो आप तो उसका जवाब नहीं दे सके, लेकिन जनता ने जब शाहरुख को देखा तो कहा किंग खान जी। और उसके बाद जनता ने बोला क्या जो आपने मेरे परिचय में बोला था, OTT का। भाई आपकी की फिल्म का डायलॉग है, आपको याद होगा, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बना बता रहे। ज्यादातर देखा गया पिक्चर क्लिक तो बहुत खुशी से कराते हैं, पर जब सेल्फी की बारी आती है तो आप बहुत कतराते हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि एक आदमी अचानक कोई अनजान आदमी आके दिखाइए सर। तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और सबसे तो मैं महिलाओं के साथ सेल्फी लेने में पहले देखता हूँ कि पीछे कोई एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि इल्ज़ाम लगा दे। पीछे कोई होना चाहिए, आसपास में दिखना चाहिए, ताकि ये लगे कि भाई सेल्फी जो है लोगों की उपस्थिति में लिया गया, ये अकेले में लिया गया नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसमें इतनी ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है कि मैं उतना फिजिकल आदमी नहीं हूँ, इसीलिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना कैमरा दीजिए, फिर किसी भाई साहब से कहता भाई साहब इनका फ़ोटो ले लीजिए, तो मैं फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, सेल्फी खिंचवा नहीं पाता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़दीकी, फिजिकल नज़दीकी से मैं थोड़ा घबराता हूँ। तो यही वजह है कि किसी हीरोइन से आपका नाम कभी नहीं जुड़ा है? जुड़ा ना, मेरी पत्नी भी तो हीरोइन ही रही है। यही वजह है कि तब्बू कटरीना वो मनोज वाजपेयी के पैर छूती हैं। तब्बू ने सत्या देखी थी और भरे सेट पे आकर के उसने ये, मतलब वो तब्बू का मेरे लिए जो है वो अप्रिशिएट करने का एक उनका अंदाज था, तो उन्होंने पैर छू लिए थे। और कटरीना ने जो है मेरी तो मिट्टी पलीत कर दी, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने पैर छुआ, जो आज तक जो है चले जा रहा है कि आप कटरीना ने आपके पैर छुए थे। अरे भाई उन्होंने सम्मान दिखाया और ख़ास करके उन्होंने राजनीति फिल्म देखी और देखने के बाद वो मैं उस समय नहीं था स्टार कास्ट के साथ में, एंड शी वॉज सो ग्लैड, सो ओवरवेल्म्ड कि हम लोग साथ में काम कर रहे थे
एक दूसरे के साथ सीन नहीं थे, लेकिन उसको इतना बढ़िया लगा कि यार मैं वहाँ पे थी, लेकिन कभी लगा नहीं कि ये आदमी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है फिल्म में। तो शी फील वेरी ग्लैड शी, वो अब वो अपने अपना एक नहीं, वो तो ग्लैड है, आपको क्या लगा? थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतनी सुंदर जो हीरोइन है वो आकर के पैर छू रही है आपके, तो पहले ही आप बुजुर्गवार हो गए। अभी कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो कि हाँ? डर नहीं, डर ये लगता है कि यार ये जो सब मिल रहा है और इतना प्यार इतनी इज्जत, मैं किसी तरीके से इस जनता को निराश नहीं करूं, उसी का रहता है। और कोई बाकी बाकी आदमी और परिस्थिति ना मुझे डरा सकते हैं ना मुझे झुका सकते हैं। मैं सुना कि फ्लाइट में जब बैठते हैं हवाई जहाज में उसमें बहुत डर लगता है? बहुत ज़्यादा। एक बार टर्बुलेंस होता है ना आप लोग हवाई जहाज में, तो अमूमन मैं स्लीपिंग पिल लेकर के सो जाता हूँ जब मैं अमेरिका वगैरह जाता हूँ या लंदन जा रहे होते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, तो बहुत जैसे कि मानसून के समय में मैं अमूमन अवॉइड करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँ, और टर्बुलेंस में मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाल फिलहाल में जब मैं अपने हवाई जहाज़ में बैठा तो देखा कि अनुपम खेर साहब हमारे बगल में बैठे हैं और हवाई जहाज़ उड़ी, आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे, अचानक से आवाज़ आई, वो हिली और इधर इधर मैं घबराया, ऐसे करके दूसरी तरफ देखा अनुपम जी। तो पूरे रास्ते मैं अपना डर भूल गया, मुझे लगा कि इनको तो मुझसे भी ज्यादा डर लगता है, तो मैं उनका हाथ पकड़ के, नहीं सर सही हो जाएगा बस अब हो गया सर, पंद्रह मिनट। मैं उनको पूरा साइन समझा रहा था कि टर्बुलेंस क्यों होता है। मधु जी, हमने आप पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाए और आपने बड़े मुस्कुरा के हंस के सवालों के जवाब दिए। हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा का फैसला। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। नॉलेज लगातार। टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया सुपरस्टार मनोज बाजपेयी पर। हमने उनसे पूछा उनकी जिद के बारे में, उनके गुस्से के बारे में, उनके शौक के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज सोनल कालरा के फैसले का।
मनोज, आप बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं, ये हम सब जानते हैं, पर आज आपके जवाबों ने ये बताया होगा कि आप बहुत ही हाजिर जवाब, रोचक किस्म के इंसान हैं। मैं देख रही थी यहाँ पे बैठ के कि यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप के, हर उम्र के लोग बैठे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज इतना हंसाया आपने इन सबको, तो आपको सजा दे पाना तो पॉसिबल नहीं है इसके बाद, लेकिन बाइज्जत बरी करने के लिए एक छोटी सी शर्त है। जी, क्या है? हमें शर्मिला जी ने पिछले दिनों बताया था कि गुलमोहर की एक्टिंग के दौरान आप उनका एक गाना गुनगुनाते थे जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुई थी, उनकी एक पुरानी फिल्म का गाना, तो जाते जाते अगर आप एक दो लाइनें सुना दे। मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं तो मुझे ये दो लाइन गुनगुनाना पड़ेगा। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नमस्ते।